और ये देखिए गाइस, ये चेक करिए, रावणला का ब्यूटी, सिक्किम का ब्यूटी, इसे कहते हैं बुद्ध पार्क। इतना गाइस वी आर नाउ इन टाइटेनिक व्यू पर। सिक्किम गवर्नमेंट को डिमांड करना पड़ेगा लग रहा है, थोड़ा रास्ता बनवा दीजिए। जय हिंद सर। बाहर से टूरिस्ट लोग आके तो क्या बोलेगा फिर, सही में ना? सिक्किम तो ब्यूटीफुल है लेकिन रास्ता खराब है बोल देगा फिर। देखिए ना कैसे पहाड़ को फोड़ के बनाया हुआ है रास्ता, इतना डरावना रास्ता है। देखिए सब चीज़ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो लोग कंप्लेन नहीं करते। इंडियन आर्मी, हर देश का आर्मी लोग खराब है। तो रास्ता तो बहुत ख़राब है, तो बोल रहा था मेरा दोस्त लोग बोल रहा था अटे भिभुन जाने का रास्ता थोड़ा सा खराब है, बोल रहा था थोड़ा सा नहीं बहुत खराब है। तो कैसे हम अभी निकल चुके हैं जो आई लव टीमी लिखा है ना वहाँ से। अब थोड़ा सा ठंड भी हो रहा है ना, मौसम यहाँ पे पता नहीं चलता है, अभी ठंड भी हो जाता है गर्म भी हो जाता है, लेकिन अभी ठंड हो रहा है हमको। देखिए धूप भी आ रहा है, कोहरा भी आ रहा है साथ में, क्या बताए, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। ये ब्यूटीफुल गाइस वे टू जिप लाइन। आप लोग जिप लाइन करना चाहते तो यहाँ से जा सकते हैं आप, जिप लाइन करके टीमी चाहे बगान के ना ऊपर ऊपर आप लोग को जिप लाइन करने को मिलेगा यहीं पे। अभी हम जा रहे हैं वे टू राबोंगला, और राबोंगला जाके बुद्ध पार्क को क्रॉस होके हम जाएंगे टाइटेनिक व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट से घूम के हमको आना है राबोंगला होके हमको नाम्ची जाना है गाइस। चिट्ठी भित्र राखेर पठाउँदै छु मेरो माया मतिमी। देख लो जी रास्ता, देख लो जी इतना बढ़िया रास्ता है, तिमी टारपू से राबोंगला के रास्ते देखिए ऐसा ऐसा रास्ता है, थोड़ा कॉर्नरिंग वगैरह भी डाल सकते हैं आप लोग, लेकिन हम आप लोग को रिकमेंड तो नहीं करते कॉर्नरिंग वगैरह, आप लोग उसमें एक्सपर्ट है तो कर लीजिए। हम भी कर लेते हैं कभी कभी, नहीं गाइस ये चेक करिए व्यू, इतना बढ़िया दिख रहे है, आधा बादल ने ढका हुआ है पहाड़ को, इतना बढ़िया दिख रहे, देखिए ना ये। यहाँ से राबोंगला 12 किलोमीटर, और राबोंगला से और दूर जाना है हमको वो टाइटेनिक व्यू पॉइंट है ना जहाँ पे। ल तो कैसे देखिए ना इतना भीड़ जैसा है ना ये पहाड़, ये पहाड़ को बोलते हैं पुतली भीड़ बोलते हैं फिर, ज़्यादातर को पता है। देखिए ना कैसे पहाड़ को फोड़ के बनाया हुआ है रास्ता, इतना डरावना रास्ता है। देखिए थोड़ा संभाल के चलना आप लोग इधर आ गए तो, बाइक गाड़ी पे जिसमें भी आओगे थोड़ा संभल के आना। गैस ये चेक करें व्यू, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। गैस यहाँ पे देखिए पाइन ट्री वगैरह, ऊपर नीचे पाइन ट्री है, पाइन ट्री के बीच पे एक रास्ता बना हुआ है, इतना ब्यूटीफुल है ना गैस। देखिए तो अभी बारिश हुआ जैसा दिखता है रास्ता, लेकिन यहाँ ऊपर का ना मौसम हम आपको बोल नहीं सकते, इतना जल्दी बिगड़ सकता है यहाँ पे मौसम। फाइनली हम राबोंगला आ चुके हैं, छोटा सा बाजार है, ब्यूटीफुल सा बाजार है, एकदम टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ बुद्ध पार्क है ना ऊपर, बड़ा सा बुद्ध का स्टैचू है। बुद्ध पार्क में अभी हम नहीं रुकेंगे, जब हम लौटते समय रुकेंगे। गाइस यहाँ नीचे भी एक पार्क है, पार्क बना हुआ है, आप लोग जा सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए गाइस, ये चेक करिए राबोंगला का ब्यूटी, सिक्किम का ब्यूटी, इसे कहते हैं बुद्ध पार्क। इतना बड़ा पार्क है ना, देखिए बुद्ध भगवान स्टैचू, बुद्ध भगवान सबका रक्षा करना, हम लोग का, मेरा सब्सक्राइबर का, मेरा सब्सक्राइब फैमिली का, सबका रक्षा करना। आप लोग सिक्किम में आ जाओगे ना कभी घूमने के लिए, प्लीज गाइस हाँ एक बार ये जगह भी आप लोग विजिट कर लेना, नोटबुक में ना डाल लेना, राबोंगला भी जाना है हमको बुद्ध पार्क बोल के। ठीक है गाइस, आते समय मिलते हैं इस रास्ते पे, अभी हम जा रहे हैं टाइटेनिक व्यू पॉइंट। ल तो कैसे अभी ये रास्ते ना हम पहली बार राजा को रन कर रहे हैं ना, हम भी पहली बार आए इस रास्ते में, गूगल मैप में डाल दिए टाइटेनिक व्यू पॉइंट का लोकेशन कर रहा है, लेकिन देखिए ना मेरा इतना हिल रहा है ना ये ना, वो 15 किलोमीटर दिखा रहे थे यहाँ से। ल तो कैसे देखिए ना रास्ता, थोड़ा बहुत पहाड़ों में ना रास्ता उतना अच्छा नहीं बन सकते,
कि बिगड़ जाते हैं, जब बन जाते हैं बिगड़ जाते। देखिए ना मेरा फ़ोन, डर लग रहा है फ़ोन गिरेगा जैसा लग रहा है। पता नहीं लगा कैसे। यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम रुक गए, थोड़ा सुसू वगैरह भी करना था ना, वो करके हम निकल पड़े टाइटेनिक व्यू पॉइंट की ओर। वहाँ पे लिखा था एक्सीडेंट जोन लिखा था वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा संभाल के आना है आप लोग को। अभी मुझे कुछ मत दिखाओ भाई, मुझे दूसरा किस देखने में। हाँ वो वाला जैसे ब्रिज जैसा बन रहा है ना, सिक्किम गवर्नमेंट को डिमांड करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। थोड़ा रास्ता बनवा दीजिए, बाहर से टूरिस्ट लोग आके तो क्या बोलेगा फिर, सही में ना। सिक्किम तो ब्यूटीफुल है लेकिन रास्ता खराब है बोल देगा फिर, बेइज्जती होगा ना हमारा सिक्किम का। इसीलिए रास्ता भी अच्छा बनवाना है, उतना खराब भी नहीं है। हमारा फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग है गाइस। वहाँ पे देखिए ना कितना अच्छा दिख रहा है, देखा या वाह वाह। इस ऊपर देखो तो क्या है वहाँ पे। जय हिंद सर। इंडियन आर्मी को ना एक बढ़िया सल्यूट है, हेड्स अप है इंडियन आर्मी को। इन लोग है तो हम लोग हैं, सही में ना। वो लोग ऊपर इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग को, सर्दी हो या गर्मी हो कुछ भी हो, वो लोग ना 24 आवर्स काम करता है गाइस। हम अभी हम यहाँ घूमने आ रहे, बोल रहे हैं रास्ता ख़राब है, इधर बोल रहे हैं कि कंप्लेन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कभी कंप्लेन नहीं करते। सब चीज़ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो लोग कंप्लेन नहीं करते। इंडियन आर्मी हर देश का आर्मी लोग, और हमारा इंडियन आर्मी को सबको सल्यूट है। ऐसे ही काम करते रहना, आप लोग का हेल्थ के लिए हम भी प्रे कर देंगे। ल त कैसे देखे न रास्ता, टाइटेनिक व्यू पॉइंट जाने रास्ता। अभी हम पहुँचने वाला टाइटेनिक व्यू पॉइंट, लेकिन रास्ता ना थोड़ा सा खराब वाला रास्ता है। हे सिक्किम सरकार जल्दी बनवा देना ये रास्ता। ये तो देखो तो नीचे तक तो ऐसा है क्या रास्ता, पहले किया होगा यहाँ पे पेलाई पिच किया है, दिख रहा है हमको। लेकिन ना जो काम करता है ना वो अच्छे से किया होता ना, अभी ऐसा नहीं होता। वो लोग बुरा काम किया, अच्छे से नहीं किया ना, इसीलिए चला गया। इतना जल्दी थोड़ी ना जाता है क्या, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी भी नहीं दौड़ता है यहाँ पे। इतना छोटा छोटा देखो ना रास्ता, खराब है तो रास्ता तो बहुत ख़राब है। तो बोल रहा था मेरा दोस्त लोग, बोल रहा था टाइटेनिक जाने का रास्ता थोड़ा सा खराब है, बोल रहा था थोड़ा सा नहीं बहुत ख़राब है। लेकिन ठीक है चल जाता है, हमारा बाइक स्कूटी तो दौड़ लेते है। मेरे राजा के लिए इतना बढ़िया रास्ता है ना ये। इतना खुश है रास्ते देख के। ऑफ रोड पर कहते किंग है ना, ऑन रोड पर भी किंग ही है गाइस। हाँ ये ना कॉम्बो है, कॉम्बो है मेरा राजा, कॉम्बो है। कहाँ पे पता नहीं भाई, हमको पता नहीं। वह देखो तो बोट है ना, बोट। हाँ फाइनली गाइस हम लोग टाइटेनिक व्यू पॉइंट आ चुके हैं। लो कैसे इतना सफ़र करते करते ना, इतना रास्ता रास्ता तो क्या बोले आपको, आपको पता ही चल गया है। फाइनली हम आ चुके हैं, यहाँ पे बाइक पार्क कर चुके हैं, और पर हेड का 20 रुपीज़ है हमको जाना है। ये रास्ते हुए जाना है हमको, 20 रुपीज़ पर हेड का देना है यहाँ पे। वेलकम टू टाइटेनिक व्यू पॉइंट है ऐसे, यहाँ से होते होते जाना पड़ेगा। पहली बार आए हम, छुट्टी पहली बार ना, पता तो है ना, टाइटेनिक मूवी देखे हो ना। अब कर देंगे हम ऐसा वाला, कर देंगे। एवरी नाइट आई सी यू आई फील यू, ऐसे ही बोल रहे ना। चलते भाई चलते, देखिए नीचे रंगीत रिवर गाइस, टिस्टा रंगीत बोलते भाई। चलो 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 चलो, इतना धूप है ना गाइस यहाँ पे, इतना गर्मी है क्या बताए। ऊपर ठंड था यहाँ, गर्मी है गाइस। अभी वेदर का है ना, हम ट्रैवल कर रहे हैं वैसे ही, हमारा वेदर भी ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे ही वेदर भी ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ साथ ही। कौन जाएगा उधर भाई, मरना है क्या, बहुत जीना है भाई, बहुत कुछ करना है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर करना है। छुट्टी अभी नहीं मरना है, नीचे जाके देखिए इतना डरावना है। हाँ अभी नहीं जाते लता का, फाइनली हिरन भी चल रहा है तो नीचे, इतना है ना बाइक पे इतना नीचे नीचे आए, पैदल भी इतना नीचे आना पड़ा है। फाइनली हम आ चुके टाइटेनिक व्यू पॉइंट,
अभी यहाँ हिरन चर रहा है, हिरन घास घुस खा रहा है, देखे ना। अभी दिखे इतना टाइटेनिक भी बना, वो जो टाइटेनिक जैसे दिखता दिख रहा है गाइस, वो टाइटेनिक का आगे का पार्ट है ना, वो दिख गया। तो हमको ही वहाँ पे रख दिया बाइक। तुमको तो पता था जैसे कर रहे थे, अभी तो तुमको तो अभी पता बोला उधर से रास्ता मिलेगा, उधर से रोड मिलेगा, उधर से आओ बोला था। वो देखो तो इधर ही रास्ता है, देखे ना इतना पैदल चला दिया हम लोग को पैदल, लेकिन रास्ता यहीं पे, रोड यहीं पे साला। वही दो प्रैंक कर दिया, लेकिन बहुत गर्मी है भाई, यहाँ से क्या खा पाएंगे वहाँ पे, वही तो वहाँ पर वहाँ पे हवा घर है भाई, जाने के बाद वहाँ पे खा लेंगे। देखिए रास्ता भी इतना बढ़िया है, हाँ देखिए ना रास्ता भी अच्छा बना हुआ है, आ गए रे हम टाइटेनिक व्यू पॉइंट, हाँ कोक वगैरह पी लेते भाई। देखिए गाइस हम टाइटेनिक पॉइंट पे आ चुके हैं फाइनली। अभी देखिए हम कहाँ पे, कितना बड़ा बड़ा पहाड़ देखिए तो। ल त गाइस अभी हम व्यू पॉइंट पे पहले बोल दिया आ चुके, इतना बढ़िया व्यू पॉइंट है, लेकिन फोटो वगैरह अच्छा वीडियो वगैरह नहीं किए है। अभी भूख लग गए ना, हम थोड़ा सा घर से लेके आए ना कुछ, क्या बोले झाड़मुड़ी वगैरह लेके आए, ये वाला ना बढ़िया बना के लेके आए निकेतन, पता नहीं क्या डाल के लेके आए लेकिन बढ़िया बना दिया। क्या डाल के लेके आए देखे ना, ल त कैसे अभी हम सब खा चुके पी भी चुके हैं, जो कोक वगैरह चाय भी लेके आए थे, लेकिन ठुटी नमक भूल गया घर पे, नमक भूल गया रे, सब फोटो वगैरह लेके आ ले रहे, बढ़िया बढ़िया पिक्चर। जाना है ना गाइस, कब जाना है हमको, हमारा भी लेना ठुटी, हमारा भी फोटो वगैरह ले लेना, सब मुझे फोटोग्राफर बना दे। अभी एक फोटो भी नहीं क्लिक किया मेरा, लो मेरा फोटो एक दिखा दो, मेरे फोन पे दिखा दो तो, मेरे पास तो है, उतना दूर जाके हम खींच लिया तुम लोग का फोटो, अभी हमारा ऐसा मत करो। वो हिल रहा है तो बहुत बहुत जोर से। गाइस वी आर नाउ इन टाइटेनिक व्यू पर, आवर बॉयज आर बैक, आई एम इन फ्रंट, आई एम इन फ्रंट, मैं मेहनत कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो ना, थोड़ा सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब कर दो गाइस, मेक सम नॉइज, दिस इज बॉय गाइस। अब हम चल देते इस ब्लॉग को, अब रखना पड़ेगा जैसे लग रहा है, हम थोड़ा रास्ते में जाके इन ब्लॉग को एंड कर देते गाइस। ये चेक करिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ना, अभी हम जा रहे हैं गाइस, ऐसा झुसुंगा दिख रहा होगा, झुसुंगा दिख रहा होगा ना, अभी पहले हम वहाँ से पैदल चला था, अभी यहाँ पे ही रास्ता था ना, पता नहीं हमको यहाँ पे हम बाइक लेके आ सकता था, लेकिन अभी पैदल चलेंगे वहाँ तक। ठीक है गाइस, आपको ब्लॉग कैसे लगा है पता नहीं, अच्छा लगा या बुरा लगा पता नहीं, अच्छा लग गया तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख देना है ना, और लगे और करके रख दिया तो आपको फ्यूचर में हम बढ़िया बढ़िया वीडियो डालेंगे, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सकता है। और आप लोग अभी सिक्किम आ गए तो ये ना, अब जो प्लेस हम घूम गए ना, आप लोग का नोटबुक में डाल देना वो लोकेशन, आपको आना है इतना बढ़िया बढ़िया प्लेस है। ठीक है गाइस, अब इन ब्लॉग को रख देते, हम दूसरा ब्लॉग कंटिन्यू करना है फिर वहाँ से। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखे देखने के लिए, स्टे ट्यून, टेक केयर, सेफ राइड सेफ ड्राइव, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय। माया अनौठो यो की।